स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। आज दिल्ली में आलाकमान के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गजों की एक मीटिंग थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी थे, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम थे, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव और इसके साथ ही ताम्र साहू भी मौजूद थे। इस मीटिंग के ऊपर विपक्ष ने तंज भी कसा था। विपक्ष का कहना था कि सिर्फ ट्रबल की स्थिति है, कहीं ना कहीं अंतर कला है और उस वजह से वहां पर समझाइश दी गई। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि आलाकमान ने साफ तौर पर नेताओं को यह संदेश दिया है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर उन्हें चुनाव में जीत की तैयारी करनी है। और उसके ठीक बाद ये बात निकलकर सामने आई, ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया गया। निश्चित तौर पर बाबा टीएस सिंहदेव के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। आपका क्या कहना है, कैसे लेते हैं आप इस खबर को कि आप खुश हैं कि मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया? कमेंट में बताइएगा।